नमस्कार दोस्तों, मैं मानसी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 28। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बिहार के गया में रामनवमी पूजा व शोभा यात्रा निकालने को लेकर बैठक। मानपुर बुढ़वा महादेव के प्रांगण में बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 10 अप्रैल को भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव के मौके पर शोभा यात्रा और भव्य झांकियां निकालने को लेकर तैयारी पर चर्चा की गई। इस मौके पर भाजपा नेता व सेंट्रल कमेटी के सहमंत्री प्रमोद चौधरी ने सारी तैयारी का जायजा लिया। साथ ही शोभा यात्रा में हजारों की संख्या के साथ जुलूस निकलने इसके लिए तैयारी के लिए चर्चा की गई। मौके पर मानपुर बुढ़वा महादेव झंडा अध्यक्ष सोनी वर्मा, पूर्व पार्षद मुन्ना खटीक, बेजनाथ स्वर्णकार, डॉक्टर पप्पू शर्मा, दीपक स्वर्णकार, भाजपा बुनकर नेता दुख पटवा, अमर शेखर, विजय केसरी, सुनील गुप्ता सहित दर्जने लोग इस बैठक में उपस्थित होकर रामनवमी शोभा यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया। गया संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। बहुत खुशी की बात है कि आज मानपुर बाजार बुढ़वा महादेव मंदिर के प्रांगण में हम लोग रामनवमी पूजा कमेटी के लोग यहां पे एकत्रित होकर आज बैठक किया गया है और इस बार बढ़ चढ़ के राम भक्तों का हुजूम जुटेगा अपने मानपुर बाजार के इस शोभा यात्रा में। तो मैं सभी मानपुर वासियों से निवेदन करूँगा कि इस भव्य विराट शोभा यात्रा में प्रत्येक घर से एक एक लोग इस जुलूस में शामिल हो। और हरियाणा से हम लोग इस बार भव्य जुलूस निकालने के लिए कलाकार को बुला रहे हैं, जिसमें से 3000 तलवार 2000 लाठी का भी व्यवस्था है। तो इस बार विराट शोभा यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है। राम मंदिर बनने जा रहा है, इस पर यह रामनवमी कुछ विशेष रूप से मनाया जाएगा? विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और विराट भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण में जो रूपरेखा तैयार किया गया है उसके कॉपी हम लोग बना के इस पूरे गया जिला में हम लोग प्रस्तुत करेंगे। ये आयोजन जब किया जाएगा रामनवमी में तो कहाँ से कहाँ तक जाएगी शोभा यात्रा? ये शोभा यात्रा मानपुर बड़का महादेव मंदिर से निकल के बैजनाथ सहाय लेन से होके पुनः जोड़ा मस्जिद हेड मानपुर दुर्गा स्थान से पुनः घूमते हुए आज़ाद पार्क के विष्णुपथ तक समापन हो जाएगी। परिचय क्या? सोनी कुमार वर्मा, रामनवमी पूजा कमेटी मानपुर अध्यक्ष। हम लोग तो मानपुर बड़का महादेव मंदिर में रामनवमी पूजा समिति का आज बैठक किया गया है। सभी कार्यकर्ताओं, संरक्षक मंडल, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सभी कार्यकर्ताओं के बीच में आज से हम लोगों का शुरुआत हो गया है। और इस बार हर वर्ष की अपेक्षा, पिछले दो साल से हम लोगों को कोरोना काल में मौका नहीं मिल पाया था, इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। गया शहर में हर बार हम लोगों को बहुत अच्छा स्थान रहता है और इस बार यहाँ के युवाओं में जोश है और इस जोश के कारण है कि इस बार जितना बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा भी ले रहे हैं। और मानपुर से प्रयास किया जा रहा है कि जितना अधिक से अधिक संख्या में हम लोग का यहाँ से भीड़ जाए और गया की ओर मूव करेगा। गया आज़ाद पार्क के बाद संपूर्ण गया भ्रमण करता है, लास्ट में विष्णुपथ समापन होता है। सुरक्षा को लेकर क्या प्रशासन किस प्रकार की सहायता दे रही है? सुरक्षा के लिए अभी तो हम लोग प्रशासन के यहाँ लाइसेंस के लिए इशू करेंगे। हम लोग का काम है लाइसेंस इशू कराना और प्रशासन का दायित्व तो है हम लोगों को कैसे जुलूस को डील करेगा। ऐसे तो हम लोग अपने स्वयं बानर सेना है, हम लोग के प्रशासन सुरक्षा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जय श्री राम। राम जन्मोत्सव के अवसर पर हम लोग भव्य रामनवमी के शोभा यात्रा हम लोग हर वर्ष भी निकालते हैं, इस वर्ष भी रहेगा। और हमारी इतना ही कार्यकर्ता है कि राम जी के समझिए कि हम लोग एक दूत का काम, बानर का काम करते हैं, तो हम लोग की सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। जय श्री राम। मुन्ना मेहता मेरा नाम है, रामनवमी पूजा समिति का मैं संरक्षण मंडल का। सबसे पहले तो हम तमाम सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद लगभग 3 वर्षों तक हम सभी ने रामनवमी का जो जुलूस है वो हम नहीं निकाल पाए थे। और इस बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का भव्य जुलूस शोभा यात्रा के रूप में निकालने जा रहे हैं और निश्चित तौर पे हम सबों के लिए बड़ा उत्सवी माहौल है। पूरा हम लोग का मानपुर जो है राममय गगन भेदी नारों से गूंज चुका है, भगवा चारों तरफ रंग लहरा चुका है और हम सारे लोग बहुत ही खुश हैं। बड़ा उत्सवी माहौल में इस बार बड़का महादेव से शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं
निश्चित तौर पर हजारों हजार की संख्या में हम लोग इस कार्यक्रम में चढ़ भर कर हिस्सा लेने का काम करेंगे। ठीक है, मेरा नाम प्रमोद चौधरी है और मैं बड़का महादेव जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं इस झंडा का मैं उपाध्यक्ष हूँ और ऐसे आज ही हमारा प्रतिनियुक्ति हुई है और मैं जिला कमेटी सेंट्रल कमेटी का सहमंत्री हूँ।